टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा पुलिस और मनपा अधिकारियों ने आज मुंब्रा की सड़कों पर धंधा लगाने वाले तमाम हॉकर्स पर कार्रवाई की है। रोड के किनारे धंधा लगाने की वजह से मुंब्रा पुलिस और मनपा अधिकारियों का कहना है कि इसी वजह से काफ़ी ट्रैफिक जाम हो रही है। रमज़ान का महीना चल रहा है, ऐसे में मुंब्रा की सड़कों पर हॉकर धंधा लगा रहे हैं और आज इन पर कार्रवाई भी की गई है। वैसे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक रात के समय में होती है और फिर या इफ्तार खरीदारी के वक्त में थोड़ी बहुत ट्रैफिक होती है, मगर आज इफ्तार खरीदारी के ठीक वक्त ही मुंब्रा पुलिस और मनपा के अधिकारियों ने मुंब्रा की सड़कों पर धंधा लगाने वाले हॉकर्स पर कार्रवाई की है। कहा जा रहा है कि इनकी वजह से ट्रैफिक जाम होती है। ट्रैफिक जाम होती है, हॉकर्स पर बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए अगर इनकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रही है। मगर रोड के किनारे जो अवैध रूप से पार्किंग की जा रही है गाड़ियाँ, इस पर कार्रवाई कौन करेगा? क्या कहीं कोई दूसरे जगह से अधिकारी आएगा मुंब्रा में कार्रवाई करने? यहाँ के पुलिस, ट्रैफिक विभाग और मनपा अधिकारी क्या कर रहे हैं? आखिर जो अवैध रूप से मुंब्रा की सड़कों पर अवैध पार्किंग का जमघट लगा हुआ है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम तो इसी वजह से भी हो रही है, इस पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? आखिर कार्रवाई करेगा भी कौन? ट्रैफिक विभाग करेगी या मनपा प्रशासन करेगी या मुंब्रा पुलिस करेगी? कौन करेगा कार्रवाई? हॉकर्स पर कार्रवाई हो रही है, ठीक है, हमारा इस पर विरोध नहीं है, लेकिन उसी तरह से जो अवैध पार्किंग हो रही है उस पर भी कार्रवाई होना जरूरी है। अभी मोहलत दे रहा हूँ, बाद में मोहलत दे दूंगा। अंदर लेने वाले